अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुएन डिया इन स्पैनिश, बुएन डिया, ओके। तो दोस्तों, मैं हूं अभी अनकरा में, ये कैपिटल सिटी है तुर्की का। इस वक्त तो मैं अपने हॉस्टल में, तो सोचा पहले आपको एक लुक दे दूं। ये सिटिंग एरिया है। हाय, वेयर यू फ्रॉम? I'm from Chile, but I'm living in London. All right. Hi. From Chile. Yeah. Hi, how are you? Yeah, okay. Where are you from? I am from Argentina. I live in Argentina. All right. Okay. तो दोस्तों, ये है हॉस्टल का लिविंग एरिया, जहाँ पे हम चाय, कॉफी, किचन, ये सारा कुछ यहाँ पे आता है। बहुत ही प्यारा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। दो दिन के लिए मैं यहाँ रुकूंगा। मैं अब आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स। बाबा जी पी रहे हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी। और ये माँ जी हैं, यहाँ स्पाइस भी करती हैं, तो कुछ इस तरह से है। कल मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो नहीं वो कर सका, वीडियो वगैरह नहीं बना सका, तो भाई आज सोचा कि स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद बात होगी। तो ये है भाईजान हॉस्टल का रूम, ये मेरा रूम है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ये फ्रिज है, ये मिरर है, और ये कबर्ड्स हैं विद लॉक्स, और ये फोर बेड्स हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो हेलो माय रूम पार्टनर, ओला बुएनोस डियास अर्जेंटिनो, अर्जेंटिनो, लुक एट दिस, और व्हाट इज माय, ये भाई विंडो है, और ये मेरा बेड है विद टीवी। तो कुछ इस तरह से लुक है। देखें जी, बाबा जी दिखाना चाहते हैं अर्जेंटीना। या, यू आर वेलकम टू अर्जेंटीना। या, थैंक यू सो मच। नीचे आपको दिखाते हैं कैसा है। Good morning. Good morning. How are you, brother? I am good. Good, alhamdulillah. ये भाई नीचे रेस्टोरेंट है, बिल्कुल हॉस्टल के नीचे। तो जगह बहुत अच्छी है, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। एक रात यहाँ पे गुजार दी, अब निकले हैं सिटी टूर के लिए। भाई लोगों, मेरे नए फ्रेंड हैं ये बाबा जी अर्जेंटीना से। तो पूछते हैं इनसे कितनी देर की फ्लाइट है अर्जेंटीना टू इस्तांबुल, या हाउ मेनी? नो, टू अंकारा। अंकारा, टू अंकारा, एस्टे अंकारा, बुएनोस आयरेस, साओ पाब्लो ब्राजील, साओ पाब्लो दोहा कतार, ओके, दोहा सोफिया इन बुल्गारिया, सोफिया इस्तांबुल इन तुर्की, इस्तांबुल अंकारा, 44 आवर बाय प्लेन। Almost
दो दिन की फ्लाइट बाबा जी लेके यहाँ तक पहुँचे। आर यू टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट और द टाइम ऑल्सो यू स्पेंड इन दोज कंट्रीज? नो, बिकॉज आई स्टे इन दोहा फॉर ओके 14 आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। फ्रॉम अर्जेंटीना टू दोहा हाउ मेनी आवर्स फ्लाइट? To 14, no, because from Argentina I stay in São Paulo, Brazil. Okay, how many hours flight? Four hours. 4 hours. And from? To São Paulo, from São Paulo to Doha, 15 hours. 15 hours. I stay in Doha, 12 hours. Okay. And then I fly to Sofia in Bulgaria for 5 hours. 5 hours, okay. And then Istanbul, 3 hours, and 1 hour to Istanbul, Ankara. Dekh le bhai sahab, how old are you? 73 years. Oh, 73 years. I am an old man. तो भाई जान देख लीजिए कि 73 years age में भी ये travel कर रहे हैं। And I know 60 countries. Oh, very good. Yes, but you are young. You can visit 100, 200, 300 countries. Yes. Yeah, I think so. Don't I wanna around the world, all the countries. If I'm alive. Oh, yes. You stay in Argentina. I stay. Your new friend. I stay waiting for you in Argentina. भाई ये मेरे नए friend हैं अभी, ठीक है, Argentina से। तो आज इनके साथ घूमना है। We're gonna go to the city tour together today and look around and explore Ankara. So आप लोग देख सकते हैं भाई कि हम लोग घूमेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और कल की कुछ बातें हैं वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ओके जी, ओके। तो भाईजान चलें इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं आपके लिए। मैं तकरीबन, मेरी फ़्लाइट थी शारजा से अनकरा के लिए 7:40 में मैं प्लेन में बैठ गया था। तो 7:40 में मैं प्लेन में बैठा हूँ, तकरीबन 10:30-40 पे मैं अनकरा एयरपोर्ट पहुँच गया था। और अनकरा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं वाईफाई मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनके पास वाईफाई नहीं था। मुझे एक सिम मिली थी एक दोस्त की तरफ से, तो मैंने वो सिम अपने मोबाइल में डाली, लेकिन उसमें शायद वो एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि कोई भी सिम कार्ड है वो एक महीने से ज़्यादा, मतलब है कि जो भी सिम कार्ड आप लेते हो वो आपके वीज़ा वैलिडिटी पर डिपेंड करती है। जो वीज़ा आपको यहाँ तुर्की का मिलता है, अगर आपका वीज़ा 1 month का है तो आपको सिम कार्ड, आपकी सिम कार्ड वैलिड जो है 1 month के लिए ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप सिम कैरी करते हैं तो वापस दोबारा से अगर आपको यहाँ आना पड़े तो सिम की वैलिडिटी चेक कर लीजिए। भाई मैं पहले तो करेंसी एक्सचेंज ढूँढता रहा हूँ, मुझे वो भी नहीं मिली एयरपोर्ट पर। फिर बड़ा एयरपोर्ट था, मैं ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा गया हूँ लेकिन मेरी समझ नहीं आई। फिर मैंने डिसाइड किया कि चल भाई, मेरे पास 30 लीरास थे तो वो भी 5 मेरे पास पड़े हुए थे, 25 जो है मेरे दोस्त ने दिए थे, तो 30 लीरास मेरे पास थे जिनको मैंने यूज़ किया बस के लिए। तो भाई जब आप अनकरा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहीं बाहर भी बसेस खड़ी हैं। ओबलेट करके एक ऐप है, ओबलेट, OBILET। सो आप वो ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें सारी बसेस, जब भी आप तुर्की में ट्रैवल करते हैं तो वो सारी बसेस उसमें दिखाता है, रूट्स, टाइमिंग और प्राइसेस, तो आप वो डाउनलोड कर लें। तो भाई मैं उस बस पे बैठा हूँ तो मैं सीधा आ गया हूँ सिटी सेंटर अनकरा। शहर में आके उतरा हूँ, सबसे पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है, मुझे $100 के मिले हैं, 1775 लीराज, सो $1775 मुझे मिले हैं उसके। और फिर सबसे पहले मैंने सिम कार्ड ख़रीदा है, तो सिम कार्ड मुझे वोडाफोन का मिला था 300 लीरा में, उसमें मुझे 20 GB डाटा और 750 SMS थे, 10 सीट, नो कॉलिंग्स। वो ने उसने मुझे शायद बोला था लेकिन मैं
समझ नहीं पाया। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, एक चीज़ आप माइंड में रखें, जब आप सिम कार्ड लेते हो तो उनको बोलिए कि वो आपको एक्टिव करके दें, नहीं तो जब आप इन सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपकी सिम के जो कार्ड होता है, कार्ड के ऊपर पासवर्ड लिखा हुआ होता है, उसने आपको स्क्रैच करना, नीचे से पासवर्ड निकलेगा, उस पासवर्ड को आपने सिम का लॉक खोलने के लिए यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैंने सिम डाली, उसने मुझे कहा 10 मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगी। मैं बाज़ार में फिरता रहा पागलों की तरह, मैंने कहा यार ये सिग्नल नहीं आ रहे और सिम दिखा रही है कि ये सिम लॉक है। तो मैं वही देखता रहा कि यार ये कैसे होगा। फिर मैंने कुछ को लोगों को खड़ा करके पूछा, वो वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सिम तुम्हारी लॉक नहीं आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया फिर कि मैं वो सिम दोबारा रिस्टार्ट, मोबाइल को दोबारा रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही फिर सिम एक्टिव हो गई। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें आप कि जब भी आप सिम परचेज़ करें, या तो उनको बोलें कि वो आपको एक्टिव करके देनी, तो मैंने तरीका आपको बता दिया। और दूसरा ये ऐप डाउनलोड कर लें, और जो बस एयरपोर्ट से मिलती है उसकी 27 लीरा प्राइस है, 27 या तो 27 लीराज आपको एयरपोर्ट से यहाँ सिटी में आने के लिए लगेंगे। तो उस बस का नाम है oblet.com, ऐसे करके बस पे लिखा भी होता है। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी बस ऑलरेडी। तो इस चीज़ का ये इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ मैं आया हूँ भाई, booking.com यहाँ काम नहीं करती है होटल हॉस्टल्स वगैरह के लिए। तो मैंने ये हॉस्टल वर्ल्ड से बुक किया हुआ था। तो यहाँ मैंने भाईजान कैश पे किया 2 दिन का 240 लीरा। और ये इस तरह की चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो इस सिटी में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है घूमने के लिए, लेकिन आज मैं निकला हूँ, देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बस टिकट ख़रीदनी है। मैं इस वक्त बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से टिकट ख़रीदनी है। ऑनलाइन भी है, लेकिन कुछ यहाँ ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनकी समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सा ही है। तो जा रहे हैं वहाँ से, जाके ख़रीदते हैं, तो फिर देखते हैं कितने की है उसका, फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ और प्राइसेस भी शेयर करता हूँ।